मारूफ अदाकारा फिजा अली ने कहा है कि आमिर लियाकत ने अपनी बीवी के सामने शो पर मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। वो बहुत अच्छे और साफ दिल इंसान है, उनके दिल में कुछ नहीं होता, जो कुछ उनके जेहन में होता है वो कह देते हैं। एक इंटरव्यू में फिजा अली ने बताया कि आमिर लियाकत ने बहुत साफ नीयत से प्रपोज किया था मुझे, मैं उनसे मिलती नहीं थी और ना ही ऐसा कुछ था, मैं किसी काम के सिलसिले में कराची गई हुई थी। इन्हें पता चला कि मेरी तलाक हुई है तो उन्होंने डायरेक्ट मुझसे रिश्ते की बात की। इन्होंने कहा था कि मैं दुनिया के सामने शादी करना चाहता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से प्रपोज किया था, उस वक्त मैं परेशान थी इसलिए कोई फैसला नहीं किया। उनका कहना था कि बहुत अरसे के बाद आमिर लियाकत की दूसरी शादी का सुना, तो अब आमिर भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। फिजाली ने बताया कि उसके बाद आमिर लियाकत मेरे शो पर तौबा के साथ आए और कहा कि मैं पहले भी राजी था और अब भी राजी हूँ, अभी देर नहीं हुई और तौबा को भी कोई मसला नहीं है। इस बात पर हंसते हंसते फिजाली ने कहा कि आमिर लियाकत ऐसे ही है और वो ऐसे ही बोल देते हैं कुछ भी। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कर ले उर्दू न्यूज़ डेयरी को।